प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के सत्य और सेवा समर्पण को न्यायपालिका की नींव बताते हुए न्याय व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला। पीएम ने कहा कि संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। महात्मा गांधी न्याय व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। पीएम मोदी ने न्यायपालिका की नई चुनौतियों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि डाटा सुरक्षा, साइबर क्राइम जैसी समस्याएं न्यायपालिका के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसे निपटने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय आए हैं जो वैश्विक चर्चा में विषय थे। इन निर्णयों में पहले परिणामों के बारे में कई चिंताएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों ने इन न्यायिक फैसलों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया। दिल्ली में इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों को निजात का अधिकार नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना के बढ़ते ट्रेंड पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जजों को फैसला लेने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट दुनिया में भारत का चमकता हुआ केंद्र है। राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए कोई भी सरकारी दान या चंदा नहीं लिया जाएगा। ग्वालियर में ट्रस्ट के अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मंदिर के निर्माण के लिए सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया जाएगा। मंदिर जनता के योगदान से बनाया जाएगा। सरकार के पास पहले से ही कई समस्याएं हल करने के लिए, हमारे पास ज्यादा बोझ नहीं है। महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि मंदिर निर्माण के शामिल होने के लिए सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को अयोध्या आमंत्रित किया जाएगा। नृत्य गोपाल दास ने कहा कि हम पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित कर चुके हैं। हमारे पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ हैं। उन सभी राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों जिन्हें धर्म में रुचि है, उन्हें एक भव्य मंदिर के निर्माण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला को स्थायी स्थान पर विराजमान करने वाली जगह का जायजा लिया। मंदिर निर्माण से पहले रामलला को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। इस दौरान ट्रस्ट के सदस्य राजा बिमलेंद्र मोहन मिश्र, डीएम अनुज झा भी मौजूद रहे। रामलला के विराजमान के लिए नई जगह का चयन ट्रस्ट की अगली बैठक में होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के करीब 3 दशक पुराने विश्व हिंदू परिषद के नक्शे में बदलाव कर इसकी ऊंचाई बढ़ाते हुए एक और मंजिल जोड़ी जा सकती है। विश्व हिंदू परिषद के नक्शे में प्रस्तावित मंदिर को अष्टकोणीय आकृति में बनाने का खाका तैयार किया गया था। इसके अनुसार मंदिर में 5 प्रवेश द्वार होंगे और रामलला की मूर्ति निचले तल पर विराजमान होगी। मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद स्वामी परमानंद वापस हरिद्वार पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वामी परमानंद ने बताया कि ट्रस्ट में कई लोगों को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबको मिलकर मंदिर निर्माण के लिए कोशिश करनी चाहिए। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर महंत धर्मदास ने सवाल उठाए हैं। महंत धर्मदास का कहना है कि राम मंदिर पर बनाया गया यह ट्रस्ट अवैधानिक है। साथ ही आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट भावनाओं से उलट काम कर रहा है। इस बात की शिकायत धर्मदास ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर की है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में निर्मोही अखाड़े के महंत धर्मदास ने हाल ही में हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय को ट्रस्ट का महासचिव बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चंपत राय इस नए ट्रस्ट में अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि चंपत राय पूरे ट्रस्ट को वे विश्व हिंदू परिषद का ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते हैं। बलिया जनपद के बैरैया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी को देश का दुश्मन बताते हुए कहा है कि उनकी आस्था पाकिस्तान में बसती है। अगर ओवैसी का डीएनए टेस्ट कराया जाए तो ये बात साबित हो जाएगी कि सुरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि ओवैसी जिन्ना की तर्ज पर इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ दिल्ली के शाहीनबाग में प्रदर्शन करने वालों ने सड़क खुलवाने के मुद्दे पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की वार्ताकार साधना रामचंद्रन ने चौथे दिन बातचीत की। प्रदर्शनकारियों ने वार्ताकार साधना रामचंद्रन के सामने कई मांगे रखी। हालांकि ये बातचीत बेनतीजा रही। इससे पहले तीन
दौर की वार्ता में भी कोई नतीजा नहीं निकलकर सामने आया। तीन दिन की बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद चौथे दिन यानी आज वार्ताकार साधना रामचंद्रन शाहीनबाग में पहुंची और प्रदर्शनकारी महिलाओं से बातचीत की। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग जिले में देर रात तक चले कश्मीर पुलिस आर्मी और सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में लश्कर ए तैयबा के दो आतंकियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने मौके से काफी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में सभी चार दोषियों को तिहाड़ जेल प्रशासन ने लिखित तौर पर सूचना दी है कि अंतिम मुलाकात जब करनी हो वे अपने परिवार और जेल प्रशासन को बता दें। नए आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मुकेश और पवन अंतिम मुलाकात कर चुके हैं। दोषी अक्षय और विनय से भी परिजनों से अंतिम मुलाकात के लिए कहा जा चुका है। साप्ताहिक मुलाकात चारों की अभी जारी है। अगर निर्भया के दोषियों को होने वाली फांसी टलती नहीं है तो दोषी अपने परिवार से आखिरी बार मुलाकात करेंगे। निर्भया के चारों दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। निर्भया के दोषी विनय शर्मा की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई चल रही है। निर्भया के माता पिता की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि दोषी विनय शर्मा ने जेल में अपना सिर फोड़ लिया था, हाथ में भी चोट आई है। डॉक्टर की रिपोर्ट को कोर्ट में दायर कर दिया गया। जेल प्रशासन ने कहा कि दोषी विनय का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है, उसका इलाज कोर्ट के मुताबिक ही हुआ है। विनय को कोई मानसिक बीमारी नहीं हुई है, जेल के डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की है। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीएसपी की बैठक खत्म हो गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की इस बैठक में 2022 यूपी विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। बैठक में सतीश चंद्र मिश्र, मुनकाद अली समेत संगठन के पदाधिकारी और विधायक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के भास्कर खुलबे को अपना सलाहकार बनाया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम के सलाहकार के तौर पर दो नियुक्तियां की हैं। 21 फरवरी को मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 1983 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अफसर भास्कर खुलबे और उसी बैच के बिहार कैडर के अधिकारी अमरजीत सिन्हा को पीएम का सलाहकार नियुक्त किया गया है। 26 फरवरी को हल्द्वानी में प्रस्तावित कांग्रेस की लालटेन पदयात्रा को लेकर नैनीताल लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बलराज पासी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान बलराज पासी ने कहा कि कांग्रेस को 3 साल बाद सड़कों पर उतरने की याद आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपने में झांके, उसके बाद बीजेपी सरकार के विकास कार्यों को ढूंढने का काम करे। साथ ही लालटेन की रोशनी में कांग्रेस राज्य के भीतर अपना वजूद बेहतर तरीके से तलाशने का काम कर सकती है। थाईलैंड की राजकुमारी चुलबोर्न 3 दिन की यात्रा पर बौद्ध की परिणय स्थली कुशीनगर पहुंची है। थाई मोनेस्ट्री में उनका परंपरागत ढंग से स्वागत हुआ। लोक परंपरा में थाई कलाकार, बौद्ध भिक्षु, अप्रवासी भारतीय, थाईलैंड के वरिष्ठ विशिष्ट नागरिक और जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों ने राजकुमारी का स्वागत किया। थाईलैंड की राजकुमारी आज भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण मंदिर और सभागार स्तूप की विशेष पूजा करेंगे और 23 को थाईलैंड रवाना हो जाएंगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हरदोई जिले पहुंचे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने परीक्षाओं को लेकर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके अलावा कॉलेज में बने कंट्रोल रूम में जाकर परीक्षा कक्षाओं की सीसीटीवी की वॉइस रिकॉर्डिंग का भी परीक्षण किया। साथ ही सीजीआईसी और जीआईसी विद्यालयों में जाकर बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था की जाँच की। उत्तराखंड में सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा अब सवालों के घेरे में। मामला फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने का। प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई कि परीक्षा केंद्र से ही प्रश्न पत्र लीक हुए। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में 1,56,046 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। वहीं इस परीक्षा में करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आया है। हालांकि आयोग की तरफ से जांच रिपोर्ट के बाद ही कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर वीके पांडे ने यह बात स्वीकारी है कि मऊ जिले में एक पेपर की सलवा कॉपियां सोशल मीडिया में अकाउंट हुआ था, जिसकी कुछ सॉल्व कॉपियां बाहर भी पकड़ी गई थी। विभाग ने दावा किया है कि एक से अधिक जनपदों में इंटर भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ है।
आगरा में तीन तलाक का एक और मामला सामने आया है। आगरा के शाहगंज इलाके में पति ने पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। बताया जा रहा है कि शादी के 14 महीने बाद दहेज की मांग को लेकर पति ने तलाक दे दिया। पूरी तहरीर पर पुलिस ने ससुराल के 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने धरना स्थल पर भूख हड़ताल शुरू कर दिया। छात्रों ने DM को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंप कर VC DSW और रजिस्ट्रार के इस्तीफे की मांग की है। वहीं 3 दिन के भीतर मांगे पूरी न होने पर छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। प्रयागराज में CBI ने पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर का पोस्टर जारी करते हुए 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। दरअसल अतीक अहमद के बेटे पर लखनऊ के कारोबारी की पिटाई का मामला दर्ज है। केस दर्ज होने के बाद से ही उमर फरार है। बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच सौंपी है। उमर पर कई मामलों में कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी। फिलहाल उमर के पिता पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद गुजरात जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार ने 5 IPS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। तबादले की इस कड़ी में उत्तर प्रशासन शासन के इन 5 अफसरों को नई चेतावनी दी गई है। पदोन्नति के बाद SSP अलीगढ़ आकाश कुल्हारी को DIG PAC मुख्यालय लखनऊ बनाया गया है। उनकी जगह मुनिराज और कमांडेंट मुरादाबाद से SSP अलीगढ़ बनाया गया है। मथुरा के SSP शलभ माथुर को DIG विशेष जांच प्रकोष्ठ बनाया गया है और उनकी जगह IPS गौरव ग्रोवर को मथुरा का नया SP बनाया गया है। SSP बहराइच गौरव ग्रोवर SSP मथुरा बनाए गए हैं। PS वाराणसी के कमांडेंट विपिन कुमार मिश्रा को बहराइच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रोजेक्ट विभाग के बाबू के घर से CBI ने छापा मारकर 4 लाख की पुरानी करेंसी बरामद की है। यादव सिंह के मामले में CBI ने बाबू रविंद्र के पूछताछ की। उसके बाद CBI ने बड़ी कार्रवाई कर प्राधिकरण के बाबू को गिरफ्तार किया और 3 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर 36 बाबू के घर पर छापा मारा गया। सुल्तानपुर के हलियापुर थाना क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के झोपड़ों पर आकाशीय बिजली गिरने से पिता पुत्र सहित 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 अन्य को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। सीएम योगी ने प्रदेश में आकाशीय बिजली से जानहानि पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे बदलते मौसम में अपना ख्याल रखें। सीएम ने कहा कि मौसम में अचानक फिर करवट हो गई है। फिलहाल हल्की बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। ऐसे में आप सब सजग रहें और अपना ख्याल रखें। लखीमपुर खीरी में दुष्कर्म के बाद 9 साल की मासूम की हत्या के मामले में ADJ जोन लखनऊ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही परिवार वालों से मुलाकात कर उनका ढाढ़स बढ़ाया और घटना की जानकारी ली। इस दौरान ADJ ने पुलिस को घटना की सही तरीके से और जल्द जांच के निर्देश दिए। सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट परिसर में दक्षिणी गेट पर पराग डेयरी के संचालक के जरिए बगल की खाली जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लोगों ने पालिका चेयरमैन को दी। इसके बाद SDM सदर रामजीलाल मौके पर पहुंचे और कलेक्ट्रेट परिसर में हो रहे कब्जे को ढाने का आदेश दिया। देखते ही देखते नगर पालिका की JCB द्वारा अवैध कब्जा ढा दिया गया। अमेठी में उप जिलाधिकारी के आवास से कुछ दूरी पर स्थित एक घर में चोरों ने लाखों का सामान चुरा लिया। चोरों ने अलमारी तोड़कर नकदी समेत लाखों के आभूषण चुरा लिए। घर में सभी लोग एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। चोरी की घटना कुछ दूर पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें छत से कूदता एक चोर दिखाई दे रहा है, जबकि छत से भाग रहे एक चोर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस बाकी चोरों की तलाश कर रही है। कौशाम्बी में प्रेमी ने प्रेमिका का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया और बाद में प्रेमिका को मारने के बाद प्रेमी ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पूरा मामला चरवा थाना के सैयद सरवा गांव का है, जहां प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर गया था, उसी दौरान यह घटना हुई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गए हैं।
लखनऊ में पुलिस लाइन में एक सिपाही ने खुद को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। गोली मारने वाले सिपाही का नाम अनूप तिवारी बताया जा रहा है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। रात को अनूप तिवारी ने खाना खाया, इसके बाद उनकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर आवास से नीचे उतरी। इस बीच गोली चलने की आवाज आई ऊपर। वहीं जब उनकी पत्नी ऊपर गई तो उन्होंने अपने पति का लहूलुहान शव देखा। यूपी के हमीरपुर में एक युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। युवक ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिससे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। नरवार गांव के रहने वाला युवक, जो एआरटीओ विभाग में संविदा कर्मी है, सुसाइड नोट में मृतक ने लिखा है कि वो अच्छा पति, पिता, पुत्र नहीं बन सका, इसके चलते वो आत्महत्या कर रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आगरा में एक ऑटो ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। ये पूरा मामला थाना एमतला दौला क्षेत्र का है। सुल्तानपुर में काम से वापस लौट रहे युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। गोली मारने की वजह युवक की दो पत्नियों के बीच विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बहराइच में ग्राम प्रधान पर दबंगई का आरोप लगा। भ्रष्टाचार की शिकायत करने से नाराज ग्राम प्रधान ने एक ग्रामीण की जमकर पिटाई करवा दी। प्रधान के सगे रिश्तेदारों पर युवक को बांधकर लाठी डंडों से पिटाई करने का आरोप लगा। ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्रामीण ने आरटीआई लगाई थी, जिस पर जांच करने आई टीम के जाते ही ग्राम प्रधान ने पहले युवक को बंदी बनवाया, उसके बाद अपने सामने ही उसकी पिटाई करवाई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कन्नौज तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई। सौरखी थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की घटना बताई जा रही है। बरेली के फरीदपुर इलाके के गौसगंज रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक चलती कार आग का गोला बन गई। कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से बचने के लिए कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, वरना बड़ा हादसा हो जाता। बोनट से चिंगारी उठने से कार में आग लगी, कारण बताया जा रहा है। डोईवाला के जेलीग्रांट एयरपोर्ट से जाने वाले मार्ग पर एक तेंदुआ नजर आया। तेंदुआ दिखने से यात्रियों में दहशत देखी गई। गाड़ी में बैठे लोगों ने मोबाइल से तेंदुए की वीडियो बना ली। बताया जा रहा है कि वह रन पोर्ट पर ठीक सामने तेंदुआ दिखा। दरअसल खतरनाक जानवरों का इस जगह पर नजर आना खतरे से खाली नहीं है। बताते चले कि उस समय पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वन विभाग को जानवरों के लिए उचित व्यवस्था बनाने के लिए लिखित शिकायत भी की थी। महाशिवरात्रि के मौके पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित होने के साथ ही मंदिर समिति ने यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। समिति के अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल ने के मुताबिक देश विदेश से श्रद्धालु आगामी अप्रैल से नवंबर महीने तक चलने वाली चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ और केदारनाथ में पूजा अर्चना दर्शन के लिए बुकिंग करा सकते हैं। समिति को शीतकाल में अभी तक दिनों में धामों के लिए 37 लाख रुपए का दान मिल चुका है। इस धनराशि से यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर करते हुए दोनों धामों में श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाई जाएगी। अगले महीने यानी मार्च के पहले हफ्ते में बीकेटीसी की टीम केदारनाथ जाएगी, जो कपाट खुलने तक वहां जरूरी व्यवस्था करेगी। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार टीम वहां बर्फ से संपत्तियों को हुई क्षति का आंकलन करेगी। इस बार पुजारियों और अतिथियों के लिए गर्म टेंट की व्यवस्था भी की गई है। ताज महोत्सव की शाम सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के नाम सजी रही। मुक्ताकाशीय मंच पर बच्चों ने अपने प्रतिभा का जलवा बिखेरा, तो वहीं दिल्ली से आई कलाकार आरुषि निशंक ने बच्चों के साथ गंगा की कहानी दर्शाई। इस कहानी के माध्यम से बताया कि भगवान शिव शंकर जी किस तरह से गंगा को धरती पर लाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पर 24 फरवरी को अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। इससे पहले 3 C-17 क्लॉम्बेस्टर कार्गो प्लेन पिछले 4 दिनों में अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इनमें सुरक्षा से जुड़े उपकरण हैं। इसमें ट्रंप का आधिकारिक हेलीकॉप्टर मरीन वन और भारी भरकम SUV व्हीलर भी है। ट्रंप जहां अहमदाबाद से जाने वाले हैं, वहां पर अमेरिकी सिक्योरिटी गार्ड पहुंच चुके हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी को भारत के दौरे पर हैं। ट्रंप के 2 दिवसीय भारत दौरे पर उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी दामाद भी आएंगे। फिल्म स्टार और पूर्व लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर सुर्खियों में। शत्रुघ्न सिन्हा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लाहौर की एक शादी का है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत के बिगड़ते रिश्तों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा गुपचुप तरीके से लाहौर गए। आयुष्मान खुराना की कॉमेडी गे फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों से तो पॉजिटिव रिस्पांस मिल ही रहा है, साथ ही इंटरनेशनल स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल ब्रिटिश एक्सिमेटर पीटर गैरी टेलेच ने शुभ मंगल ज्यादा सावधान को लेकर एक ट्वीट शेयर किया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने लिखा ग्रेट। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इंस्टाग्राम पर प्रियंका के 50 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। ऐसा अभी तक सिर्फ 2 भारतीय लोगों ने किया है। प्रियंका से पहले भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान विराट कोहली ही ये कारनामा कर सके हैं। आयुष्मान खुराना अपनी ही स्टाइल में फिर से एक नए विषय पर जबरदस्त फिल्म लेकर आए हैं। शुभ मंगल ज्यादा सावधान में दूसरे कलाकारों ने भी जबरदस्त अभिनय किया है। असल में शुभ मंगल ज्यादा सावधान के केंद्र में समलैंगिक रिश्तों की मर्यादा को रखा गया है। पूरी फिल्म समलैंगिक रिश्तों को बयां करती है। इसके ट्रेलर को भी बेहद पसंद किया जा रहा है।